क्योंकि आज हमें ऐसे पर्सन से मीटअप कराने वाले आपका की आप भी मतलब उन्हें ना इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि उनकी लाइन तो हर किसी ने सुनी होगी, हर किसी के मुंह पे होगी। वो तो ऑब्वियसली यार कि छोड़ो मैं बताऊं, और बहुत रिक्वेस्ट करी हमने वो भी आप लोगों के लिए यार। इसने नहीं करी, मैंने भाई ऐसे तो प्लीज सर ऐसे ऐसे करा है, तो आप समझ सकते हो कि मैंने कितनी मेहनत करी है, और बस थोड़ा सा टाइम और 5-10-15 मिनट और पहुंचने वाले होंगे, उसके बाद मैं आपको मिलाने वाला हूँ। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी, और मुझे भी तो बोल की मैं भी यही पे। तो भाई और बाकी मैं आप अगर आप लोग कमेंट करोगे, अगर आपको इसका पार्ट टू चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपका मीटअप कराऊंगा पर्सनल मीटअप फेस टू फेस। पहले जब तक वो उनको देख कहां तक पहुंचे, मैं मेरा प्रॉमिस है ठीक है, बाकी हम उनको बुला लेते हैं, कॉल कर लो, चलो मिलते हैं ब्लॉक में। तू वक्त नहीं दिंदा मेनू अज कल दो पल दा। चलो पानी वानी तो लिया, देख रहे हो कैसे कैसे बच्चे, थोड़ी तो शर्म कर ले सर। पब्लिक आपका बहुत देर से वेट कर रही थी, एक बार हाय तो कर दो। सो गाइस हाय मिल चुका है, देख लो आप सर को सामने से, और सामने से भी देखना है तो मैं उसका भी अपडेट दूंगा, बाकी अभी थोड़ा देखते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं, आगे बने रहो ब्लॉग में जब तक। तो आपको तो पता है सर कि क्यों मीटअप के लिए बोला मैंने आपसे, तो मैं आराम से उसके बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज अभी मैं खुद की, यार मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा अपने ऊपर कि आप मतलब आ गए, क्योंकि यार आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब लोग थोड़े हो जाते हैं तो यार मैं एटीट्यूड आ जाता है, जैसे कि इसमें आ गया है, ये टाइम वाइम नहीं देते मेरे को। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले तो कि मतलब इस करियर में मतलब इस लाइन में स्टार्टअप कैसे करा आपने? एक्चुअली स्टार्टअप की करना सी मेरे फादर ही म्यूजिक डायरेक्टर से, उन्होंने देख के उन्होंने तो इंप्रेस हो के इस लाइन के मैं एंट्री की थी। ये ठीक था सर, मगर कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पापा भी टीचर हैं और मैं कभी स्कूल नहीं जाता था, बंक करता था मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो सर सबसे पहले तो मैंने आपका सबसे पहले सॉन्ग सुना था, वो सुना था मन भरिया, मतलब हाँ मेरा फ्रेंड सुनता था, और उसके बाद मतलब से गाने तो ही थोड़ा लोगों को पता लग गया मेरे बारे, नहीं तो पता ही नहीं लोगों को। मगर सर अब तो मतलब हाई लेवल एक से एक लो, और एक और कंफ्यूजन है कि किसका यार असरा अभी तक पता नहीं चला, दिल्ली में इतनी बारिश आ रही है सर बहुत ज्यादा, सर ही हंस रहे होंगे तभी बारिश हो रही है, यार हंस रहा है, यार हंस रहा है, यार हंस रहा है। अब सर किसी को यार को रुला दो, बारिश करा, बारिश रुकवा दो, मैं रुलाना नहीं है। सबसे पहले आपका जो सॉन्ग था वो कौन सा था? मन भरिया। मन भरिया जो मार्केट में सबसे पहले आया था, बढ़िया तरीके। अच्छा, जिसने मतलब दिखाया मुझे पहचान। तो सर मतलब कभी फील नहीं होता कि हाँ कि पहले कितनी जगह, सर आप हर कोई जानते हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 लोग हैं जो मतलब सर एक जानी सर आप और मतलब और भी है, मतलब कि हाँ पूरी टीम है सर, कल्ले नहीं है, कल्ले ही कुछ भी नहीं कर सकते, ये चीज बिना टीम तो कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे सर मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, थोड़ा थोड़ा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है थोड़ा सर हिंदी में बोलिए सर, मैं कह रहा हूँ कि बिना टीम वर्क के हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ ये सच्चाई, बिना टीम वर्क हमारी भी तो टीम है, आप भी हो, आपकी भी टीम है, वो सर खत्म खत्म से टीम है, मगर सही है। तो सर मतलब अब आगे क्या सोचा, इसी लाइन में रहना है या फिर सर इसी लाइन में नहीं। तो सर बच्चों वगैरह को मतलब इसी लाइन में लाना है? कुछ नहीं है, बच्चों पे डिपेंड है, अभी छोटा बेबी है मेरा, उस पर मतलब सर बड़ा सर आपके, आपने तो सर उसकी भी आईडी बना दी सर, इतने फॉलोअर्स है उसके, मेरे भी नहीं इतने, तो सर मतलब बस वही है, मतलब इतने सारे लोग आपको जानते हैं, तो मतलब आपको कैसा फील होता है जब आपसे पहले कोई नहीं जानता, फिर अचानक से इतना लोग जानने लग गए आके, मेरी छोटी बहन की बेटी तक इन्हें जानती है कि गाना मन भरिया इनका,
और सबसे ज्यादा फेमस जो था वो तितलिया वर्गा फिलहाल मतलब सर आपने एक से एक इंडस्ट्री को एक से हिट ऐसे सॉन्ग दिए और जब से पाजी हैं हमारे साथ तब से ज्यादा बढ़िया हो गया अक्षय कुमार जी। हाँ वो तो ज्यादा हो गया सर। कई बार ऐसा होता है कि कहीं भी आप जा रहे हो मतलब आपने कभी ट्राई नहीं किया सर जैसे हम सर जैसे मतलब हम गरीब नॉर्मल चल लेते हैं रोड पे और आप जैसे सर कभी वॉक निकल रहे हो कभी घूमने मॉर्निंग वॉक वगैरह पे और लोग आपको घेर के मतलब सर आपने चार कदम चले थोड़ा पेट कम करने के लिए भाई लोगों ने घेर लिया मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि आपको अपनी पहली वाली नॉर्मल लाइफ अच्छी लगती थी या सेलेब वाली ज्यादा अच्छी लगती थी? ओह माय गॉड नॉर्मल लाइफ भी अच्छी थी ऐसा कुछ नहीं है बट अब ये है कि रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं घूम सकते नॉर्मली आप लोगों की तरह अगर तो हम छींक भी मार दे वो भी मीडिया उठा देता है इसमें छींक आ रही है ये चीज तो इसको ये हो गया इसका वो हो गया तो सर ऐसे दिक्कत आती है थोड़ी सी। सर जैसे आपके कोई इंस्पिरेशन है कि मतलब इसको देख के आपने सीखा या फिर कोई मतलब किसी को देख के फादर से इंस्पायर हूं अपने अच्छा फादर से और सर आपका जो लुक है मतलब जितने भी सिंगर है मतलब सर सबसे अलग आपका ही जहाँ तक मेरे क्योंकि मतलब सबका नॉर्मल ही है सब वही कच्चा पहन लेते कोई पैंट मतलब आपका सर बिल्कुल हटके एकदम मेरा एक्चुअली क्या था मैं आपको सच्चाई बताता हूँ मैं जेल बहुत यूज करता था पहले जेल बहुत ज्यादा लगाता था उस वजह से हेयर फॉल हो गया फिर मैंने यही सोचा यही लुक रख लेते हैं कुछ डिफरेंट करो दुनिया से ये भी सही था मैं भी अगर मतलब हो जाता हूँ तो मैं फेमस हो जाऊंगा आपकी तरह नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जी होने से सारे फेमस होने लग पड़े तो सर हुआ ना सर वो रील्स पे वो नाना पाटेकर वाली जो एक्टिंग करता है सर वो भी गंजा है ना तो वो फेमस हो गया सर देख मैं भी गंजी हो जाती हूँ और सर मतलब इतना कुछ हो चुका है इतने आगे लेवल पे आप आ चुके हो अब बहुत जल्दी किस्मत 2 मिलने वाली है किस्मत 2 भी आने वाली है सर की रिलीज होने वाली है तो आप देख सकते हो और सर मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड किसके साथ करते हो मैं अपने बेबी के साथ बेबी जो अभी अभी हुआ है सर अभी आई थिंक 6 मंथ या फिर 1 ईयर का हो गया हाँ 1 ईयर का और सर वाइफ को नहीं देते टाइम अब समझ रहे हो ना वाइफ बच्चे इकट्ठे तो होते हैं यार सारे अलग अलग थोड़ी होते हैं अलग रहेंगे वाइफ बच्चे मदर फादर नहीं होते हैं वो सब आउट ऑफ इंडिया देखा सर बड़े होने के बाद सब अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं नहीं वो सारे आउट ऑफ इंडिया हैं मतलब सर ने बहुत ऊंचे लेवल पर काम कर लिया हम भी कभी अपने माँ बाप को आउट ऑफ इंडिया भेजे हैं वैसे तो मैं खुद नहीं गया कभी मगर दुआरी तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता कुछ खा पी लो सर सर खा लो आपसे पैसे थोड़ी नहीं ले रहे बहुत तेज हो रहे हैं बहुत तेज सर आप आगे यही इतनी बड़ी बात है मतलब सर आपने तो कुरकुरा खा लिया बीवी मीडिया में आ जाएगा सर ये भी सर आप पानी वगैरह कुछ सर आप लोग नहीं बोलते नहीं वो सर बोलते नहीं वो करते हैं चार टके मारे बिठा देंगे कम तो सर जैसे आप कभी नॉर्मल लाइफ जीने का ट्राई नहीं करते करता हूँ सर अभी भी मैंने आपसे इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज मतलब ट्राई करना मगर सर कहीं जाना हो कैप डाल के मास्क वो तो सर ठीक है अभी तो सर मतलब हम घर के अंदर ही हैं ऐसे मगर सर आप अभी भी लेके आए कि अगर उनने एक उंगली से भी टच कर दिया तो मैं दूर जाके गिर जाऊंगा नहीं ऐसी कोई बात मैं तो उनकी खास के लिए बोलूंगा मेरा ऐसा तो मतलब सर सिक्योरिटी हमेशा 24 आवर साथ रखते हो अभी तो कम लाया हूँ आपके पास आया हूँ नहीं तो मेरे साथ 20-25 सिक्योरिटी होती जब आप सबके सब सर ऐसे ही रहते हैं इतने और कभी सर आपकी किसी बॉडीगार्ड से लड़ाई नहीं हुई नहीं ऐसा जैसे कोई बोलता हो आ जाओ भाई मेरे साथ नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ सब फ्रेंडली है अच्छा सब फ्रेंड फिर तो सही सर मगर मतलब ये तो उनकी है ना जो ज्यादा आपके पीछे क्रेजी है मगर सर बॉडी देख के लगता नहीं है फ्रेंडली है सर मैं फ्रेंडली है सही में भाई आप फ्रेंडली हो नहीं करोगे आप फ्रेंडली है साथ में ये नहीं लग नहीं रहा ना कहीं मेरे को तो लगता है अगर कोई आपको ऐसे भी टच करने की कोशिश करेगा सीधा लात तो डील पर टच करके देखो तुम नहीं दूर से कहीं सीधा पाकिस्तान में एंट्री लात के मारे सर कई बार क्या होता है ना मेरे को भी एक्चुअली ये चीज नहीं पता स्टार्टिंग में कि सर जानी कौन है वीप प्राप्त कौन है ये दिक्कत बहुत आई है मतलब यही समझ रहे कि मैं ही जानी हूं हां बिल्कुल सर जानी के बारे में पता ही नहीं है
ब्राक के बारे में पता ही नहीं है। जानी जैसे रहता है ना सर, राधे श्याम सीताराम, वैसा होगा कि सर कोई भी सॉन्ग आता है ना तो बी ब्राक जानी भी ऐसा है। एक्चुअली मेरा मेन सॉन्ग्स का बेस ही जानी है। हाँ ये चीज, जानी ना होता तो मैं ना होता, ये तो सर सीधी बात है। और सर मतलब अब इतनी देर हो गई तो सर कुछ हो जाए। और सर नहीं एक क्वेश्चन, मतलब सर सेलिब्रिटी का मतलब कुछ, मतलब ये रूल है क्या कि सर टाइम पे नहीं पहुंचते? जैसे सर आपने हमें जैसा कि सर नहीं, जैसे ऐसा कुछ सर हमारी टाइमिंग थी 12 कुछ की, मगर सर अभी 5 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह आपको पता है दिल्ली का। हाँ ये चीज तो है। तो सर एक बार लाइन हो जाए, आप भी साथ में गाओ। चलो आ जाओ, मन भरया मन भरया। पहले आप सर। तू सब जानदा है मैं छड्ड नहीं सकदी तेनू, ता ही ता उंगड़ा ते रोज नचाउना मेनू अगले जन्म विच अल्लाह, अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे, तू बना के भेजे मेनू मैं बना के। कसम से सर मतलब आपका जो है ना मतलब अलग ही लेवल पे होता है। तो सर अभी क्या है कि सारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, अभी क्या होने वाला अगर आपको सर से मीटअप करना है तो सर तो? पहले तो सर संडे को अपना कंफर्म है ना? पक्का? हाँ, कंफर्म पक्का। तो हम संडे को आने वाले हैं। कहाँ पर? सबके लिए नॉर्मली है जगह, सब ब्रो हमेशा एक ना एक बार तो वहाँ गए होंगे। सीपी कनॉट प्लेस सेंटर पार्क, राजीव चौक कुछ भी बोलूं, बट मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ संडे के लिए। और अभी भी मतलब इसे तो भरोसा नहीं हो रहा कि सर खड़े हैं, तो पिक विक ले ले कल। बोलो। तो संडे को मिलेंगे हम सीपी कनॉट प्लेस, टाइमिंग 4 PM, हाँ 4 बजे तक शाम के टाइम पे। और सर मीटअप करना है, और सबके सब बिस करो जिन जिन को मीटअप करना है सर से, कि सर उस टाइम पे फ्री रहे, सर बिजी नहीं होने चाहिए, हम तो पहले बैठे वैसे। तो सर आपको भी जाना होगा, आप भी क्या हो गया? मिलते हैं सर संडे को। तो संडे के लिए सब कुछ रेडी रेडी रहना सीपी में 4 बजे कनॉट प्लेस, सीपी पार्क, गेट नंबर 5 नहीं, रोड जाम हो जाएगा। पार्क के अंदर मिलते हैं, ठीक है? और बाकी कमेंट करके बताना कि सर के सॉन्ग कैसे लगते हैं, और सर के अभी मूवी आ रही है, कौन सी थी सर वो? किस्मत 2 किस्मत बदलती देखे आप लाइव देख सकते हो सर से, हमारी किस्मत बदल गई। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक।